आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज सच का पहरेदार। राया कस्बे में दो दिन पूर्व एक विशेष समुदाय के युवकों द्वारा बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की गई, जिसमें आरोप है कि पुलिस द्वारा एक समुदाय के युवकों का समर्थन किया जा रहा है। इसी के चलते शांति भंग के आरोप में कार्यवाही करने और पीड़ितों की सुनवाई न करने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं में आक्रोश है। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष राकेश बंसल के साथ अनेकों बीजेपी कार्यकर्ताओं और हिंदूवादी संगठन के साथ, जब कहीं हमारी बहुत बड़ा दुनिया की बहुत बड़ी बड़ी पार्टी है, अभी भी COVID-19 में भी पूरे वर्ल्ड में ऐसा जो कोरोना फैला था उसमें भी हमारे 135 करोड़ की जनता के रखते हुए हमारे देश के मुखिया, प्रदेश के मुखिया ने सभी, आप सब लोगों ने मीडिया का ही बड़ा सहयोग रहा, जनता के सहयोग से हमने मार भगाया। अभी आप जिस बात चल रही है इसकी, यहाँ पर संज्ञान में आएगा, दो दिन पहले परसों कुछ कार्यकर्ताओं के साथ वो यहाँ के मारपीट झगड़ा कोई हुआ, उसमें कहा के साहब 151 में उनको भेजे गए, हमारे छोटे हैं, यहाँ पर सब लोग कार्यकर्ता यहाँ बैठे, इन्होंने जो जो बताया, समस्या बताया, मेरे पास सूचना मिली, मैं जयपुर से अभी आ रहा हूँ और मैं बाई रोड सीधा दौड़ता हुआ घर पे भी नहीं पहुँचा, सीधे आपके बीच में आया हूँ। कार्यकर्ता हमारा सबसे बड़ा है, हमारा संगठन बड़ा है, ये भी हमारा प्रजा, इसमें भी हमारे उसमें सरकार में जो हमारे जो कर्मचारी हैं ये भी हमारे यहाँ के सभी हैं। अगर कहीं कोई चीज़ आई है कार्यकर्ता की मान सम्मान में ठीक पहुँचाए, उसको न्याय नहीं मिला है, उसको पूरा न्याय मिलेगा, उसकी पूरी फरियाद है वो पूरी लिखी जाएगी। दोबारा अभी इस मामले में दोनों को दोबारा मेडिकल कराने के लिए यहाँ पर हमने कह दिया गया है, कल मेडिकल हो जाएगा, मेडिकल पर जो भी चोटें आवेंगी उसके खिलाफ जो भी होगा उनके पास कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अपनी ही सरकार में कार्यकर्ता थाने के गेट पर धरने में, देखिए एक का एक कार्यकर्ता है, एक है ना, हमने कहा बहुत बड़ा हमारा संगठन है, ठीक है ना, हमारे जो कार्यकर्ता हैं इनमें क्यों नहीं, वो नहीं है किसी को गाली दे रहे हो, ये नहीं है कि हमारे मंडल अध्यक्ष है, मंडल अध्यक्ष की सारी टीम आई है, अपनी बात अपनी कहने आए, कोई धरना प्रदर्शन थोड़ी करने आए, हम अपनी सरकार के प्रति थोड़ी धरना प्रदर्शन करेंगे। अगर हम तो सरकार की छवि खराब ना हो, चाहे कोई भी हो उसमें, चाहे मैं स्वयं को ना हो, उसकी जिम्मेदारी जरूर हम सुनिश्चित करेंगे। अभी अभी आपने कहा कि दोबारा ये कहा कि भाई मेडिकल का जो आया उन्होंने पुलिस की धारा में शांति भंग में भेजा, उन्होंने कहा हमें न्याय नहीं मिला है, उन्होंने कहा कि मैं मेडिकल दोबारा कराया जाए, हम दोबारा मेडिकल करा रहे हैं, मेडिकल में जो भी चोट आएंगी उसके अंगेस्ट में कार्रवाई कर। और दोनों आपके दो मामले मेरे पास आए थे, क्या कस्बे में कुछ उन्होंने बताया वो मैंने आपके सामने बता दिया है, उसका भी समाधान हो गया। बिल्कुल निश्चित रहिएगा, आपके कहीं पर भी कार्यकर्ता हो, आम नागरिक हो, कोई भी हो, सब हमारे सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास है हमारा, हम उसको सबको लेके चलते हैं, हम किसी के भी। थाना राया के गेट पर पहुंचे जहां उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से हुई मारपीट एवं उन्हें न्याय दिलाने की मांग की, जिसके बाद थाने पहुंचे बलदेव विधानसभा के क्षेत्र विधायक पूरन प्रकाश ने थाना प्रभारी निरीक्षक को सख्त हिदायत देते हुए दोबारा पीड़ितों का मेडिकल परीक्षण कराने एवं नामजदों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। तो वहीं थाना प्रभारी निरीक्षक को थाना क्षेत्र में जुआ सट्टा सहित नशे के कारोबारियों पर कार्रवाई करने की बात कही है। मथुरा से मनीष चौधरी, पब्लिक न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज सच का पहरेदार।